देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो चलिए, जो आपके 6 जून का पेपर री एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं कि कितने क्वेश्चन कहाँ से लिए गए थे। एक तो टॉपिक वाइज हमने आपको बता दिया, अब यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पहली बात तो टोटल क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के थे, सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे, जो अभी आपका 7 मई वाला उससे भी बहुत इजी पेपर था आपका ये। अब इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी 33 थी और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आपकी 12 थी, जो बहुत बेसिक थी, जो फार्मूला बेस्ड थी या डायरेक्ट ऐसे थी। फार्मूला एक क्वेश्चन आता था इसमें आपकी नहीं दिया, असेसन रीजन टाइप के क्वेश्चन जो आते थे 2 क्वेश्चन उसको भी नहीं रखा। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन इस तरह से रखे हुए हैं। वेरिएबल डाटा का 1 क्वेश्चन रखा हुआ है, कर्व का जो है 2 क्वेश्चन रखा है। इजी और टफ की बात हम करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स आपकी इजी थी, कोई भी एक भी प्रॉब्लम टफ नहीं थी, कोई कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग नहीं थे, 1-2 लाइन के कैलकुलेशंस थे। तो टोटल बातें फिर समझ लीजिए कि टोटल एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड था। ये ऐसा लगता है कोई लेक्चरर जो इंटर के लेक्चरर पढ़ाते हैं उन्होंने इसको फ्रेम किया था, तो बैठ के उन्होंने क्वेश्चन को लिख डाला है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं, कोई कंपटीशन लायक क्वेश्चन इसमें नहीं थे, सारे हाई स्कूल इंटर लेवल के क्वेश्चंस थे, जो इंटर लेवल से भी बिलो हैं वो थे। तो थ्योरेटिकल पे भी इन्होंने ध्यान दिया है, लेकिन वो थ्योरी नहीं है जो बहुत डेप्थ की थ्योरी है, बहुत बेसिक थ्योरी है, जो फार्मूला बेस्ड इस तरह थ्योरी है। और कॉन्सेप्ट के पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है, 2 या 3 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के थे। इस तरह के न्यूमेरिकल की 33 हो गए, थ्योरेटिकल के 12 हो गए, और कॉन्सेप्चुअल पे 2 या 3 इस तरह से रखा हुआ है। वेरिएबल डाटा 1 क्वेश्चन, कर्व के 2 क्वेश्चन रखे, और सारे क्वेश्चंस आपके इजी थे, टफ क्वेश्चन एक भी नहीं था। ओके okay?